अच्छा पर्सनली मुझे ये लगता है कि रंग महल जो था ना वो सीरियस ड्रामा था hmm. उसकी ऑडियंस डिफरेंट थी यू नो सीरियस लोग देख रहे थे उसका कंटेंट डिफरेंट था जो फेरी uh, टेल की ऑडियंस है ना वो मुझे लगता है कि वो इतनी एनर्जेटिक है hmm. वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो यंग लॉट है yeah. वो जेंजीज है सारे या यू नो अगर हैं भी yeah. तो वो वो वाली दादीज हैं जो कि यू you नो know, एक दादीज होती है like, cool ना लाइक दादी yeah. तो मुझे लगता है कि उनका फिर रिस्पॉन्स भी वैसा आया तो मुझे दोनों से जो मिला, रंग तो फीडबैक मतलब है तो वो प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि फर्क है कि इसकी ऑडियंस डिफरेंट है उसकी ऑडियंस डिफरेंट है ये वाली ऑडियंस जो ना वो प्यार में क्रेजी है और वो वाली जो ऑडियंस थी वो एक अलग तरह का फीडबैक था तो दोनों यू नो दोनों लॉट में ना मैंने मुझे लगता है ऑडियंस में फर्क था हाँ। तो जो अब जो आपकी ऑडियंस है, की, वो आप ही तो है हाँ। और जिस तरीके का फीडबैक आता है हर पे और हर पे, तो हाउ डू यू इट कैसा लगता है यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जी, मतलब मुझे लगता है कि जब एक आता या कोई भी इंसान कोई काम करता है तो वो तो यही सोच के करता है ना कि यार ये या अच्छा और मुझे इसका फीडबैक अच्छा मिले और जब मिल जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या आपको क्या लगता है क्योंकि वो हां स्क्रिप्ट आया सॉरी नहीं मैं वही इसी बात की इन्नुएशन है जो स्क्रिप्ट आया आपके पास फेरी टेल का तो वो कौन से फैक्टर्स थे कि आपने कहा कि हाँ मुझे ये करना है अच्छा बड़ी फनी सी चीज है मैंने आठ दफा इसे स्क्रिप्ट को मना किया 8 दफा 8 दफा ओ वाओ क्योंकि ना मैं मेरे लिए ना कंफर्ट लेवल बहुत जरूरी है ठीक है मैं ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय करियर विद हम टीवी और इनसे एक अच्छा एक अलग बॉन्ड था तो ये लोग मुझे ऑफर करते रहते थे बट मैं निकल गई थी बाहर मैं प्रोजेक्ट्स करने लग गई तो ये लोग बहुत बुलाते थे hmm. तो फेरी डील का जो प्रोजेक्ट है ना महेश भाई ने क्या कुछ नहीं कर लिया उन्होंने ऑनेस्ट मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाह भी रही थी so no Bar -bar -bar was, you know, मैं एक प्रोजेक्ट में इतनी इन्वॉल्व थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ और सोचने का मैं कही थी उसको खत्म होने दें मैं आऊंगी

उन्होंने हाँ, हाँ. उन्होंने कहा हमने आप ही से करवाना है और अगर मैं ये कैरेक्टर नहीं करती तो वो लोग इस कैरेक्टर को बड़ा कर देते और किसी और एक्टर से करवाते उन्होंने मुझे ये बताया था अच्छा कहा था लेकिन अगर हम इसी एज पे कैरेक्टर रखेंगे तो करवाना अच्छा, तो बड़ा मीनिंग ओल्डर कर देते उसकी एज को बढ़ा देते राइट देना रहती फिर हाँ हाँ तो पता नहीं फिर एक दिन मैं उन्होंने कहा नहीं तुमने मुझे पता है उन्होंने मुझसे सवाल ऐसे किए मैं स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी हुई थी मैं फंस गई मैंने कहा तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हाँ. घर जाओ स्क्रिप्ट पढ़ो उसके बाद अगर तुम मुझे नो होगी ना हाँ. तो मैं नहीं करूंगा मैं घर गई स्क्रिप मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा नहीं ये वो कैरेक्टर है जो कि मुझे करना है तो मुझे लगा कि वाकई मेरी एज का कोई कैरेक्टर आया और मैं नहीं क्यों मना करी तो मैंने हाँ बोला

मैंने कहा यार ये कुछ अच्छा है क्योंकि हमारे सेट पे कोई भी एक एक्टर ऐसा नहीं था जो आपको पता हम रात को चार चार बजे हमारे होते हैं। मैं ना आज तक दस बजे के बाद काम नहीं किया मतलब मैं बजे कहती थी कि मुझे बस घर 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 जाना है क्योंकि मेरे घर से घर वाले बोलते थे नहीं आप दस बजे आ जाओ घर ये वाहिद सेट है फेरी दिल का की हम चार चार बजे भी गए हैं हम सुबह भी गए हैं हमने डबल डबल शिफ्ट लगाई है और किसी के चेहरे पे ना मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं होता हो रहा था मतलब मुझे लगा कि मैं एक घर से उठ के दूसरे घर गई हूँ मैंने वहां काम किया लाइक

मुझे सबसे अच्छा उम्मीद का कैरेक्टर ये लगा था मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी, कि नहीं। नहीं थी इसमें कोई भी ऐसी बट देखें लोगों का रिस्पॉन्स hmm. मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इस तरह के कैरेक्टर बनाने चाहिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता हम फ्लॉज दिखाना ही नहीं चाहते तो इस लड़की में बहुत फ्लॉज थे लेकिन फिर भी हीरोइन थी बहुत सारे लाइक like सीरियस नहीं जिंदगी को लेकर hmm. मतलब वो चीजें जो कि हम अगर, अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखें हाँ. हम बोलेंगे क्या ये कौन लड़की करती है ऐसे हाँ. मतलब ऐसे ही होगा ना पैसे फेंक दिए सारे पैसे फेंक दिए तो शो में जा बहुत चीजें hmm. लाइक अगर आपने पूरा कहानी गोथ्रू की हो तो आपको पता होगा यार बहुत चीजें ऐसी हैं hmm. और इतनी है कि आप किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन फिर भी वो इनोसेंट है लाइकेबल है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज उसने, दिल उसने जीत लिया। दिल जीत लिया पहला देख के मुझे भी याद है कि मेरा पहला रिएक्शन जो था ना वो यही था ये तो लड़की बहुत ही, चली गई तो ये बहुत ही अजीब है भाई तो मैं शायद ना देख सकू किस्म का किरदार मगर फिर सेकंड थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड्स आपको होता है की नहीं यार रिस्क लेती है डर है लेकिन खुश है पॉजिटिव है सबसे बड़ी बात Exactly. कि उसमें वो एलिमेंट है कि आप दिल जीत लेती है ऐसे कैरेक्टर्स हैं? क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम होती है ना मेच्योर नहीं होते हो ना तो बचपन में मुझे लगता है बच्चे ऐसे ही होते हैं एक सवाल हसन का है जो मैं पूछूंगी हसन को ये बड़ा कंसर्न करता है कि जो उम्मीद का कैरेक्टर है क्या वो लड़की बेवकूफ है या वो लड़की इंटेलिजेंट है बिकॉज कभी कभी हैरकतों से लगता है कि यार ये इसको इतना नहीं दिखाना चाहिए था कि वो नुकसान करा दे बिजनेस वो में है इनोसेंट इनोसेंट है वो ना तो बेवकूफ है ना हाँ। वो इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा मासूम है हाँ, वो मासूम है और वो मासूमियों में नादामिया करती है और वो नादानियों से फिर सबक भी तो हासिल करती है ना जब तक आप गलती ही नहीं करोगे तो आपको रियलाइज कैसे होगा राइट हमारी जिंदगी में कभी कुछ होता है तो हम समझदार होते हैं ना कहते हैं यार अब ये गलती नहीं आई थिंक वो उम्मीद के कैरेक्टर को मेच्योर करने के लिए वो जो चीजें हैं वो उसके लिए ठीक है वो नहीं जरूरी है कभी कभी हम नहीं सोचते किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं मुझे लगता है मैं भी कभी कभार अपने बाबा के सामने कोई ऐसी बात कर देती हूँ मुझे बाद में रियलाइज होता है क्या बोला है तो कभी कभार अगर हम नॉर्मली भी देखें तो हमें किसी के सामने वो बात नहीं करनी होती बट हम कह देते हैं ना हाँ, हम कर देते हम हैं हम हैं। 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 so, बहुत बिल्कुल उम्मीद वो परफेक्ट नहीं है बहुत फ्लॉज है और वही आई थिंक उसके कैरेक्टर खूबसूरत अगर वही नदानिया नहीं करेगी ना तो फिर मसाला कैसे आएगा ठीक है और इन्हीं हरकतों की वजह से और उसकी मासूमियत की वजह से एक ऐसा शख्स जिसको आप सोच नहीं सकते किसी से प्यार हो जाएगा वो हो जाता है हाँ वो हो जाता है हीरो जो आता है उम्मीद की जिंदगी में कैसे हो जाता है लेकिन हो जाता है <laughs> ऐसा भी होता है ऐसा हा? भी होता है जो लोग सीरियस होते हैं ना ज्यादा उनको हाँ, अपनी, हाँ, अपनी हाँ, जिंदगी में यू नो थोड़ा सा फन चाहिए होता तो है तो वे कहते हैं यार हमारी इतनी सीरियस जिंदगी है जब वो किसी और को एंजॉय करते हुए देखते हैं ना तो वो कहते हैं यार ऐसी जिंदगी होती है कहते हैं यू नो मैंने देखे हैं इस तो आपकी हुई